Bismillah ar-Rahman ar-Rahim for Heidi with Blue Hair by Laura Adcock. Kiwi poet hai, ya English bhi keh sakte hain kyunki wo dual nationality wala sort of mamla tha. Ye kahani jo hai wo bayan ki jati hai ki uski niece ki kahani hai ki wo uske sath waqai mein hua tha. Wo school gayi thi aur fir usko aise bhej diya gaya tha and all that. Usne baalon ko tie kiya tha wagaira. इसमें जो बुनियादी तौर पर जिस चीज़ को आर्ग्यू किया जाता है वो इंडिविजुअलिटी है जो इंसान की होती है और जो स्कूल जिस स्कूल जिस तरह कंट्रोल करता है लोगों को और जो बच्चों का उस कंट्रोल के ख़िलाफ़ जो एक रिबेलियन होता है वो है उसमें. इसमें है क्या कि वो अपने बालों को रंग करके स्कूल जाती है और स्कूल से घर भेज दिया जाता है. इसको देखते हैं. व्हेन यू डाइड योर हेयर ब्लू or at least ultramarine for the cliff side with a crest of jet black spikes on top, you were sent home from school. Obviously matlab you ke taur pe Heidi ko address kiya ja raha hai. Baad mein jo hai wo us cheez ko address kiya jayega ki bol kaun raha hai and all that. Yahan kya hai ki jis wakt usne apne baal नीले रंगे थे या वो अल्ट्रा मरीन कलर था, अल्ट्रा मरीन भी ब्लू का एक शेड होता है, तो उसे घर भेज दिया गया था स्कूल से. बिकॉज एज द हेड मिस्ट्रेस पुट इट, क्योंकि जैसा हेड मिस्ट्रेस ने कहा था, ऑल दो डाइड हेयर वॉज नॉट स्पेसिफिकली फॉरबिडन, अगरचे बालों को रंगना बुनियादी तौर पे मना नहीं है, योर्स वॉज अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स नॉट डन इन द स्कूल कलर्स, हमारा जो थे वो स्कूल के रंगों में नहीं थे. इसकी एक मतलब इसको बयान कैसे किया जाता है कि वो जो स्कूल के यूनिफॉर्म के जो कलर्स थे वो उससे मैच नहीं कर रहे थे, उससे फ़र्क थे. टीयर्स इन द किचन, टेलीफोन कॉल्स टू स्कूल फ्रॉम योर फ्रीडम लविंग फादर, वो रो रही है एंड ऑल दैट, और उसके जो उसका जो आज़ादी पसंद बाप है वो स्कूल फोन कर रहा है. शी इज़ नॉट अ पंक इन हर बिहेवियर, इज़ जस्ट अ स्टाइल, ये वो उसके बाद कह रहा है कि वो पंक नहीं है, यानी कि वो समझदार है, वो सच वो उस तरह नहीं है, वो जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल किस्म के लोग होते हैं और अपनी मर्जी के मालिक इन ऑल दैट, वो अपने वो उसके पास एक वो एक मुनफरद अंदाज है. यू वाइप योर आइज ऑल्सो नॉट इन स्कूल कलर, यानी कि उसमें तुमने अपनी आंखें पहुँची और यानी कि वो भी तो स्कूल कलर में नहीं है. He discussed it with me first. उसने पहले मुझसे इस बारे में बात की थी. We checked the rules. हमने जो rules थे वो भी पढ़े थे. And anyway that it costs $25. Tell them it won't wash out even if I wanted to try. We checked the rules, जो बात है मतलब ये कि ऐसा वो मना नहीं थे, लेकिन वो जो होते ना कुछ मतलब ऐसे वो बैकडोर होते हैं, कुछ झोल होते हैं, वो झोल है चूँकि, तो कोई भी उस पर दाव लगा सकता है कि नहीं नहीं इसका ये मतलब था, नहीं नहीं इसका वो मतलब था. अमूमन अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो ऐसी बातों को एक्सप्लोर कर जाती हैं कि मतलब हमने अगर मना नहीं किया तो इजाज़त भी जरूरी ना थी, और भाई जब मना नहीं किया इसका मतलब इजाज़त दी है, या तो मना करो ना फिर कहो कि यहाँ पर क्यों किया है, मना नहीं किया है. लेकिन आर्गूमेंट क्या होता है, हमने मना नहीं किया तो इजाज़त भी जरूरी ना दी, इसका मतलब इजाज़त नहीं है, इसका मतलब हम नहीं कर सकते. कम ऑन भाई, जब मना नहीं किया इसका मतलब कर सकते हैं, बात ख़त्म. खैर वो कहती है कि $25 लगे हैं और उन्हें बताओ कि ये नहीं धुलेगा अगर मतलब नहीं उतरेगा रंग है. $25 बहुत बड़ी बात थी, अंदाजन बात है कोई सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी की, तो मतलब वो उस ज़माने में भी बड़ी रकम होती थी, $25 एंड ऑल, तो उस हिसाब से बहुत बड़ी बात है. इट वुड हैव बीन अनफेयर टू मेंशन योर मदर्स डेथ, ये जो मन होता है कि जी लैस से कहा जाता है कि बच्चे की बाप मर गया, माँ मर गया, तो जी वो बिगड़ गई है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट होता है वुमन, ये आर्ग्यूमेंट इसलिए दिया जाता है कि लैस से चलो जी छोड़ दो बिगड़ गया फिलहाल नहीं सीते इस तरह उस तरह, तो उस तरह से मतलब वो कह रहे कि ये आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक नहीं होगा ये अनफेयर, बट दैट शिमर्ड बिहाइंड द आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन जो बुनियादी तौर पर जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे उससे पहले उसके सामने इसकी ऐसे उतना ज़रूरत भी नहीं रही और ये जम सा हो गया या गैर अहम सा हो गया है.
स्कूल हैज़ नथिंग अगेंस्ट यू, मतलब स्कूल वो बात नहीं थी, वो ज़ाती दुश्मनी नहीं है. द टीचर्स ट्वीटर्ड एंड गिव इन, उन्होंने बात की है टीचर्स ने और वो मान गए उसको कि वो वापस आ जाए एंड ऑल दैट स्कूल में. तो सस्पेंशन है ये कि उसको घर भेज दिया गया है, सस्पेंड हो गई है, उसे घर अब आ जाए वापस का मतलब क्या है, उसकी वो जो सस्पेंशन है वो ख़त्म हो गई है, वो वापस आ सकती है. नेक्स्ट डे योर ब्लैक फ्रेंड हैड हर्स डन इन ग्रे वाइट एंड फ्लेक्सन येलो द स्कूल कलर्स प्रिसाइसली. उसकी वो भी उसकी दोस्त है, उसने अपने बाल ग्रे वाइट और फ्लेक्सन येलो में कराए हैं जो कि स्कूल कलर्स हैं. तो इस वजह से वो जो है वो क्या होता है, एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी अवेटी टीज द बैटल वॉज ऑलरेडी वन. ये एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी था कि यानी कि वो यकजानियत में उसने भी रंग करा ली है. ये अमूमन होता है जहाँ पे आप उसमें बंदी हो के जी, मतलब एक को अगर किसी वजह से पकड़ा गया तो दूसरा भी वही करने लग जाएगा और तीसरा भी वही करने लग जाएगा. उससे क्या होगा कि वो एक आवाज ही बदल जाएगी, वो अथॉरिटी को कानून बदलना पड़ेगा एंड ऑल दैट. तो वो हुआ वेडी टीज, यानी कि अकली बुनियादों पे उन्हें एक तरह से उन्हें झंझोड़ा गया, उन्हें हिलाया गया, उन्हें उन पर दबाव डाला गया कि मतलब ये भी तो है ना, वो भी तो है ना एंड ऑल दैट. जैसे मतलब इस तरह करते करते अपना आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. ये उन्होंने किया, बैटल वॉज ऑलरेडी वन. वो जो जंग थी, वो जो लड़ाई थी कि जी वो मतलब उसको उसकी इंडिविजुअलिटी के साथ एक्सेप्ट किया जाए, ये वो जीत ही जा चुकी है. इसमें जो नरेटर मैंने कहा था नहीं है, वो ऑब्वियसली वो खुद है, पोइटस खुद है. ये है सारी. और हाइडी विद ब्लू हेयर बाय फ्लोरा एडकॉक.